नमस्कार, मैं पेंट वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेंट वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कि ईएमआरएस जैसे 2023 की टाइपिंग की डेट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपडेट अभी जो टाइपिंग की डेट के रिगार्डिंग है वो नहीं देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग आपकी कब तक हो सकती है। अभी ईएमआरएस की साइट पर लेटेस्ट एक नोटिस आया है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके बेसिस पे आपकी जो टाइपिंग है वो कब तक होने की संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो कॉल रिकॉर्डिंग की गई है ईएमआरएस के ऑफिसर से जो बात हुई है उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कब के बारे में बोला है कब तक आपकी टाइपिंग हो सकती है। उसके अलावा बैक स्पेस टाइपिंग में आपका अलाउ होगा या नहीं होगा, तो जितने भी आपके दिमाग में डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो एक दो मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, जिसका इंटरफेस बिल्कुल ईएमआरएस जैसे जैसा है। इसी तरीके का आपका इंटरफेस आएगा, इस तरीके से कंटेंट होगा आपका। यहाँ पे कंटेंट आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका स्क्रॉल बटन होगा, पूरा कंटेंट आपको शो नहीं करेगा, 1/3 कंटेंट ही आपका शो करेगा। पूरा कंटेंट टाइप करने के लिए आपको कम से कम 3 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका टाइमर चलेगा, यहाँ पे इस तरीके से फोटो शो होगी। तो यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं, जो कि CHSL CGL एग्जाम में आए हुए लास्ट टाइम पे। सिर्फ इन्हीं पैसे को बार बार आप प्रैक्टिस करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है 1 मंथ के लिए। जो प्लान है वो केवल इसकी जो वैल्यू है वो 99 रुपीज़ हमने रखी है, यानी कि 99 रुपीज़ में आप 250 पैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी कम कॉस्ट में ये प्लान आपको मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाइए। और आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये लेटेस्ट जो नोटिस है वो देख सकते हैं। ये आपका जो नोटिस है वो 2 मार्च को आपका पब्लिश हुआ है ईएमआरएस की साइट पे, ठीक है। यहाँ पे इस नोटिस से आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो, इनका कहना है ये कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द ईएमआरएस स्टाफ सेलेक्शन एग्ज़ाम 2023, जो आपका एग्ज़ाम हुआ है जिसमें आपकी नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्ट थी। यहाँ पे इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम इन्होंने 16, 17, 23, और 24 दिसंबर को कंडक्ट कराया है टू फिल अप द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन ईएमआरएस अक्रॉस द स्टेट्स एंड द रिजल्ट फॉर द सेड पोस्ट। केवल प्रिंसिपल और जूनियर यानी कि जेएसए का जो रिजल्ट है इसको छोड़ के बाकी जितने भी रिजल्ट हैं इन्होंने 22/1/2024 को पब्लिश कर दिए। और उनकी जो ज्वाइनिंग है, मतलब लगभग प्रोसेस भी कंप्लीट कर दिया और उनकी जो ज्वाइनिंग है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट कैन नाउ डाउनलोड द प्रोविजनल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर थ्रू URL। नीचे की URL दिया हुआ है, उस पर जब क्लिक करोगे तो रोल नंबर और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल के आप जो है डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना जो ऑफर लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि बाकी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी को ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। केवल यहाँ पर प्रिंसिपल का बचा हुआ है और जेएसए का बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है वो 2 मार्च का है। तो कहीं ना कहीं अब जितनी भी वैकेंसी उनका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट बारी है वो प्रिंसिपल का भी लगभग जो प्रोसेस है वो ओवर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वर्क है वो जेएसए पे। आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इस पर। और मुझे ऐसा लगता है कि टाइपिंग की डेट अभी इसी वजह से नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लोग हो सकता है चाहते हो कि जो बाकी जो पोस्ट है उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, फिर जेएसए का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराएंगे। यानी कि जो भी डिपार्टमेंट था वो जो अदर पोस्ट थी उनकी ज्वाइनिंग कराने में बिजी था। अब चूंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब जेएसए की जो टाइपिंग है वही डिपार्टमेंट को करानी है। तो जेएसए की जो टाइपिंग है यहाँ से उम्मीद है कि टाइपिंग बहुत जल्द हो सकती है। तो कब क्या नोटिस आ सकता है, तो उम्मीद ये है कि हो सकता है कि मार्च लास्ट तक आपको टाइपिंग के रिगार्डिंग जो नोटिस है वो देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे कॉल भी की गई थी डिपार्टमेंट में, ईएमआरएस के ऑफिसर से बात हुई थी, तो स्टूडेंट ने पूछा था, वो मैं रिकॉर्डिंग आपको किसी पर्पज़ से नहीं सुना रहा हूँ, बाकी मैं वर्बली चीज़ें आपको बता देता हूँ। वहाँ पर बात हुई थी तो उसने पूछा था कि सर कब तक टाइपिंग हो सकती, तो उन्होंने टाइपिंग की डेट के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि टाइपिंग जो है वो बहुत जल्द होगी। उसके अलावा टाइपिंग के रिगार्डिंग आपको जो मेल है वो अपनी मेल आईडी पे आएगा, तो अपनी जो मेल आईडी है वो चेक करते रहिए, उसी में आपके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो भी आएंगे और टाइपिंग कब होगी उसकी डेट भी वहाँ पे ईमेल आईडी में जो है वो मेंशन आपकी होगी, ठीक है।
तो आपको मेल आएगी टाइपिंग के रिगार्डिंग, और टाइपिंग आपका ये मान के चलो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ये उम्मीद है कि मार्च लास्ट तक ये टाइपिंग के रिगार्डिंग जो नोटिस है और डेट वो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब टाइपिंग का ही प्रोसेस आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि टाइपिंग कब तक हो सकती है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उम्मीद है कि जो नोटिस है टाइपिंग के रिगार्डिंग और टाइपिंग की डेट के रिगार्डिंग, वो चूंकि अभी नोटिस भी आपका नहीं आया और इंस्ट्रक्शंस भी नहीं आए किस तरीके से आपका टाइपिंग होगा, तो इंस्ट्रक्शंस और जो आपका टाइपिंग की डेट है वो हो सकता है ये मार्च लास्ट तक डिस्क्लोज कर दें, ठीक है। और उम्मीद ये है कि टाइपिंग जो है वो ये आपकी अप्रैल में करा सकते हैं। अगर मार्च लास्ट तक आपके जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं और टाइपिंग की डेट अगर आती है तो बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा भी नहीं। अगर डेट आएगी तो उसके 10 से 15 दिन के बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी, तो ये आप मान के चल सकते हो कि अप्रैल में आपकी टाइपिंग किसी भी कंडीशन में हो सकती है। अगर ये मार्च लास्ट तक इंस्ट्रक्शंस और जो डेट है वो दे देते हैं तो अप्रैल मिड से पहले ही आपकी टाइपिंग हो सकती है, ठीक है। बाकी अप्रैल में टाइपिंग जो है होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप जो है टाइपिंग को लेके बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि टाइपिंग नहीं हो रही है, तो हम इस चीज़ को आप ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। टाइपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही टाइम है जब आप औरों से बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो टाइपिंग में किसी भी तरीके की आपको कमी नहीं बरतनी है, ज़बरदस्त तरीके से आप टाइपिंग करते रहो, क्योंकि यहाँ पे मेन जो आपका सिलेक्शन है वो टाइपिंग की वजह से होगा। हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ जितनी गई है उतनी ही जाए, तो जिन बच्चों का यहाँ पे मेरिट में नाम आया है और वो टाइपिंग के लिए एलिजिबल हैं तो टाइपिंग अच्छे तरीके से करो। अगर टाइपिंग क्वालिफाई हो गई तो ये समझो कि आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे यहाँ पे टाइपिंग में डिसक्वालीफाई होंगे, क्योंकि हो सकता है वो आप उतनी सीरियस तरीके से टाइपिंग ना कर रहे हो। तो मैं आप सभी को ये सजेशन देता हूँ कि टाइपिंग अच्छे तरीके से करिए और किसी भी तरीके से टाइपिंग में डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि टाइपिंग होगी, बहुत जल्द होगी, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने टाइपिंग जो है उसको बहुत कम कर दिया होगा, क्योंकि स्टूडेंट को लग रहा होगा कि अब तो नोटिस आ नहीं रहा, तो यही वो टाइम है जिसमें आप औरों से बेहतर निकल सकते हो और टाइपिंग में जी जान से लग जाओ, क्योंकि टाइपिंग तो होगी और बहुत जल्द होगी। तो ये उम्मीद है कि टाइपिंग अप्रैल में ये करा सकते हैं, ठीक है। बाकी बैक स्पेस अलाउ होगा या नहीं होगा, तो बैक स्पेस यहाँ पे 100% अलाउ होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर हमने आपके लिए बनाया है ये बिल्कुल इसका जो इंटरफेस है वो EMRS जैसे जैसा है, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं लास्ट टाइम पे, इन्हीं पैसे को बार बार प्रैक्टिस करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% टाइपिंग आप क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है, मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और आपके लिए जो 99 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है जिसमें आप 250 पैसे एक्सेस कर सकते हैं वन मंथ के लिए, उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।